चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। भाई सारे कानून इस किसान पे थोड़े लागू हो, कुछ आप लोगों पे तो लागू होने चाहिए। गन्ना एक्ट है 1953 का, 14 दिन के बाद में ब्याज लगेगा। यहाँ से ही आवाज उठेगी, हम नहीं मानते 20-25-30 रुपए बढ़ाने की। अग भाई ये 20-25-30 रुपए बढ़ाओगे, तन की फिक्र करे नादान, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मसूरे हैं आसमानों में, न समझेगा तो मिट जाएगा देश के अंधाता। तेरी तो दास्ता भी नहीं रहेगी दास्तानों में बहुत। आप लोग संगठित रहोगे, संघर्ष करोगे, तो जब जाके ये स्थिति कुछ बनेगी, नहीं तो किसान कोई डिक्शनरी में इन सरकारों की नहीं है। खापो के तपू के चौधरीगण, प्रशासन के लोग, किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मिल प्रशासन भी, ये आप लोग की जीत है। आप लोग जीतोगे क्योंकि अब इसके आंदोलन की बागडोर किसान के हाथ में है, किसान के। ये निश्चित जीतोगे भाई, अपन नेता एक होगा जब जीतता जाएगा, और जब नेता इतने हो जाएंगे तो जब जीतता जाएगा, बीच की जो लड़ाई पड़ा है ना, इसमें किसान को भी नुकसान होता है। या तो नेता एक रहेगा जब जीतता जाएगा, जिस पर विश्वास, सारा सिस्टम सब ठीक ठीक रहेगी, और ये नहीं तो भाई जनता नेता है इस आंदोलन की। पिलानिया जी, आप लोगों की स्थिति देने की नहीं है भुगतान। जब आप लोग अभी तक शेड्यूल बना के नहीं लेकर आए, और मैं तो प्रधान जी आपसे कहूंगा, आपने लेट कही बातचीत, टोटल क्रशिंग 385 करोड़ रुपए की है, ब्याज 385 करोड़ पे लो। आप लोग ये क्षेत्र, ये मील का इतिहास आप लोग पढ़ लो, ये तो किसानों का मील है, ये किसी लाला का और उसका नहीं है। ये घोषणा आप लोगों ने करवा रखी देवीलाल से, किस तरीके से करवा रखी इस मील की, बहुत बुजुर्ग बैठे होंगे आप भी बता देंगे। ये मील किसानों का है, ये कोई यहाँ व्यापार करने के हिसाब से नहीं लगा था मील, ये किसान यहाँ परेशान था तो तब जाके ये मील लगे थे, आप लोगों ने व्यापार का कर दिया। और भुगतान तो ये आप लोग ब्याज की मांग पहले रख लो ना, अपने आप ही करके लेकर आओगे। 385 का ब्याज, भाई सारे कानून इस किसान पे थोड़े लागू हो, कुछ आप लोगों पे तो लागू होने चाहिए। गन्ना एक्ट है 1953 का, 14 दिन के बाद में ब्याज लगेगा निश्चित। और भाई किसानों से भी एक अपील है, बड़े टिकैत साहब एक बात कह करते थे, वे ये कहते थे ब्याज जो है वो बनने बनने का हो, कभी आप लोग आंदोलन इस कमेटी का ही कहीं सोच के करो, चलो जाओ, ये लड़ाई लंबी चलेगी ये लड़ाई, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है, यहाँ से दशा और दिशा यहाँ से इस किसान की तय होती है। प्रधानमंत्री मोदी का 450 रुपए का वो था 9 साल पहले, जब सरकार बनने से पहले, कि हम लोग करेंगे, यहाँ से ही आवाज उठेगी, हम नहीं मानते 20-25-30 रुपए बढ़ाने की। अग भाई ये 20-25-30 रुपए बढ़ाओगे, रेट बढ़ेगा 450 तो प्रधानमंत्री ने कह रखा, 9 साल पहले कह रखा था, तो 9 साल पहले में यानी कि 10-10 रुपए का वो लगा लो, यानी कि 90 रुपए, तो 450 और 90 यानी कि 540 रुपए तो इस किसान का हक बैठता है। ये लड़ाई सारी लड़ी जाएगी, ये रण का कुरुक्षेत्र बनेगा, ये गोगर सुगर मिल पिलानिया जी, इस बलख को अपने हाथ टालते हो तो टाल लो, नहीं तो ये किसान मूड में है। नहीं भाई, हमारा कुशल नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं नरेश टिकैत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश जी हैं, पूरी संगठन की एक संवैधानिक एक दायरा रखो, हम लोग संगठन जिम्मेदारी लगा दे, हमें शर्म लगती है कि भाई सारू के जिंदाबाद के नारे ये नहीं होना चाहिए। हम लोग आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों की किसी जिम्मेदारी है संगठन ने लगा रखी, जो भी निर्णय किसान लेगा उसकी साथ में सभी लोग हैं, जो भी निर्णय कमेटी लेगी। भाई हाथ उठा के बताओ, इसमें कभी ये पुगड़ना ही पड़ेगा, यूनिक एक भाई जो है, हर घर से, हर गांव से, हर घर से रोटी बन बन के, और उसी तरीके से आंदोलन जब 87 का दौर था वही आप लोगों को चलाना पड़ेगा, जब ये किसान का वर्चस्व बढ़ेगा। नहीं था चौधरी छोटू राम की वह बात, उन्होंने कहा था किसानों को, उन्होंने कहा था कि वतन की फिक्र करे नादान, मुसीबत आने वाली है,
तेरी बर्बादियों के मसूरे हैं आसमानों में, न समझेगा तो मिट जाएगा देश के अंदर था, तेरी तो दास्ता भी नहीं रहेगी दास्तानों में। बहुत बहुत खतरनाक सरकारों के साथ में आप लोगों की लड़ाई है। जो सरकारें देश के किसान को आतंकवादी तक कह सकती हो, अभी एक भाई बता रहे थे जी मुकदमा लग गया किसान आंदोलन के दौरान में, भाई फांसी के फंदे पर तो नहीं गए मुकदमे, तो सब पे हैं देशद्रोह के मुकदमे लोग के हैं। आप लोग संगठित रहोगे, संघर्ष करोगे, तो जब जाके ये स्थिति कुछ बनेगी, नहीं तो किसान कोई डिक्शनरी में इन सरकारों की नहीं है, यह पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं। और जब पूंजीवादी व्यवस्था के लोग राजनीतिक दलों को चलाने लगेंगे तो उसमें ये किसान वर्ग कहीं नहीं आता। हम जैसे भी आप लोग निर्णय लेंगे, पिलानिया जी यहाँ के स्टाफ सारा, आप लोगों को किसान ने यह कहा कि 30 नवंबर तक का शेड्यूल लेकर आओ, दोगे कैसे कैसे, उस पर आप लोगों की कोई बातचीत नहीं, यानी कि आप झूठ बोल रहे, आप झूठ बोलने का काम कर रहे भाई। 385 करोड़ का एक तो ब्याज की, क्योंकि लिखा पड़ी में भी आप लोगों को आना पड़ेगा, जब 385 करोड़ तो ज्यादा बैठे है, डबल उस तक बैंक बैंक कहीं लगा लो तुम जो है जी। अरे भाई एक जो है चौधरी छोटू राम ये भी कह करते थे, बोले किसान तू बोलना सीख और दूसरा दुश्मन को पिछाड़, बोलना तो ये किसान सीख गया लेकिन दुश्मनों को पिछाड़ने में कहीं ना कहीं कसर है। जब तक ये कोर्टों में जान लगे नहीं, मुकदमे कोर्टों में भुगतान की बात होने लगी, जब तक इस किसान का इलाज हो गया, ये लाठी के दम पे पेमिट लिए जा करते थे, ये कोई नहीं देगा, सब इसमें के एयरकोर्ट के सरकारों के साथ में समझौते हैं, एक टुकन नहीं मिलने की, आप लोगों को पिछाड़ने पड़ेंगे। आप सभी एक तरफा कहना जी किसान नेता, अरे किसान नेता तो ये बैठे किसान नेता तो सारे किसान नेता ये लड़ लेंगे लड़ाई खुद। आप लोगों का बहुत धन्यवाद है और अनुशासन के साथ में इस संघर्ष को, भाई रोटी बन के और गांवों के जब कैंप यहाँ लगेंगे, जब ये आंदोलन चलेगा, ये नहीं कि भाई आ जाए और फिर जो है जी, और भाई ये कमेटी वाले तो आप लोग गांवों बैठ के कहो जा रहे कहने भी तो बैठी है, जो कुछ हो जाएगा, नू नहीं हो करता, हाँ इन्हों नहीं चलने का, ये आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, कहना ब्याज जो है बनने बनने का हो, लेकिन उसमें लत्ते सिमा के यूं नहीं, आप लोगों की जिम्मेदारी है, विशेष जिम्मेदारी आप लोगों की बनेगी, ये आपके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। अगर इस आप लोग पीछे हटेंगे तो सही कहा एक भाई ना, भाई गिंडा से दो जिलिंड भाई है मरवावेंगे, ठीक है जी, धन्यवाद। एक नारा उन किसान शहीदों के लिए जरूर लगाओ जिन्होंने किसान संगठन में दिल्ली के बोर्ड रूप में शहीद हुए, और यहाँ की आवाज मुख्यमंत्री के कानों तक जा रही है आज।